नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। शास्त्रों के अनुसार घर का मंदिर सबसे पवित्र स्थान माना गया है। वास्तु शास्त्र में घर में मौजूद हर चीज की अपनी एक ऊर्जा होती है, वैसे ही घर के मंदिर में सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिसका असर घर के सदस्यों पर पड़ता है। अगर घर के सबसे पवित्र स्थान पर किसी चीज को लेकर अनदेखी की जाए तो यह नकारात्मक ऊर्जा को बदल जाता है, जिससे घर के सदस्यों में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार हम मंदिर में ऐसी चीज रख देते हैं जिसका अधूरा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। आइए जानते हैं कौन सी वो चीजें जो मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कभी भी खंडित मूर्तियां या खराब हो चुकी तस्वीरों को नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कई बार अनजाने में भूल से हम मूर्तियां टूट जाती है हमसे, इसे तुरंत नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसी मूर्तियों को मंदिर में रखने से पूजा का शुभ फल नहीं मिलता है। इसके अलावा जो शास्त्रों के अनुसार मंदिर में भगवान को लगाया गया भोग कुछ समय बाद हटा लेना चाहिए। कहते हैं भगवान को लगाया गया भोग लगाने के बाद झूठा हो जाता है, इसलिए मंदिर में भगवान को चढ़ाया गया भोग लगाने के बाद तुरंत हटा देना चाहिए और सभी को बांटकर ग्रहण कर लेना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर मंदिर में भगवान के वस्त्र फट गए हैं और आसन खराब हो गया है या कोई भी टूटा या खराब सामान है तो इसे भी मंदिर से तुरंत हटा लेना चाहिए। कहते हैं कि फटे कपड़े और टूटे सामान से मन अशांत रहता है, घर में कंगाली आने लगती है, पूजा का फल नहीं मिलता है। शास्त्रों में इन चीजों को अनिष्टकारी बताया गया है, इन्हें मंदिर से तुरंत हटाकर नई चीजों का उपयोग करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि मंदिर में पूजा पाठ के दौरान अर्पित की गई पूजन सामग्री जैसे फूल, मिठाई, अगरबत्ती की राख आदि को भी जमा नहीं होने देना चाहिए। कहते हैं कि इससे नकारात्मकता आती है, कई बार इससे वास्तु दोष भी उत्पन्न हो जाता है, जिससे घर में दरिद्रता का वास होता है। अगर आपके भी घर में है ये सभी चीजें या फिर आप भी ऐसा करते हैं तो इसे तुरंत बदलें अपनी इस आदत को। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।